हमारे साथ में समय मौजूद है। टाइटलर सर, आप यहाँ पर मंच पर आए हैं, क्या इस पोजीशन को आप कहते हैं? आप पर सर सर सवाल उठ रहे हैं कि 84 दंगों पर आप पर जो है, किसने उठाया? किसने उठाया सवाल? आपकी जो मौजूदगी है वो किसने उठाया सवाल? आपकी मौजूदगी सवाल किसने उठाया है? आपको पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एक अच्छी चैनल के पे से रिप्रेजेंट करते हो, आप पूछिए ये सवाल क्यों उठा रहे हो? सर बीजेपी विपक्ष वालों का, छोड़िए बीजेपी को छोड़िए, वो तो बहुत कुछ कहते आ रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस बेस पे मुझे बात कर रहे हैं? मेरे से किस बेस पे हम सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, क्यों क्यों पूछ रहे हो? कि आपको कोई FIR दिखी? दंगों में आपका नाम आया था, कहाँ नाम है, यही तो पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने ऐसा ही गुमराह करा पब्लिक को, कोई नाम कहाँ है, कोई FIR है, कोई केस है, कोई है कोई आदमी कहने वाला कि इसका नाम है? कुछ नहीं। तीन दफा एक नानावती ने इंक्वायरी करी कि पता करो इनका है कुछ। इंक्वायरी में CBI ने तीन दफा कहा इनका कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं जवाब किसका दूं? सर फिर भी मौजूदगी को अवॉइड किया जा सकता है? क्यों अवॉइड करें? ये हमारी पार्टी है जिसके साथ अपनी सारी उम्र लगाई है, यहाँ कोई किसी बात का गिल्टी होता तो मैं कहता। आप ऐसे करो, पब्लिक में जाके पूछो, ये सवाल आपको मेरे से नहीं पूछना चाहिए, मैं तो आपको अच्छा ही दूंगा जवाब। क्षेत्र में जाके पूछो, जाके बिल्कुल गलत चीज उठाई जा रही। आप लोगों को, आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। आप जाके बताइए ना, वो हिम्मत हो तो मेरे एक भी वर्ड ना काटिए, काट काट के नहीं लगाना। सर चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलेगा लड़ेंगे? ना देखियो भाई, ये पार्टी डिसाइड करती है, हम नहीं करते डिसाइड। जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन पर जो लगे आरोप हैं उस पर वो सफाई क्यों दें, अगर उन्होंने कोई भी अगर उन्होंने गलत काम नहीं किया है, 84 दंगों पर सफाई दे रहे हैं जगदीश टाइटलर, और साफ तौर पर यह कहते हुए कि वो हर जगह पर हर मंच पर मौजूद रहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं।